नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपने गलती से अगर आपका जेप्पे में जो आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है, यानी कि आप अगर आपके जेप्पे से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और आपने गलती से उसको ब्लॉक कर दिया, तो अनलॉक कैसे करेंगे, ठीक है। और अनलॉक है तो ब्लॉक कैसे करेंगे, टोटली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जेप्पे को ओपन करना, ऊपर तीन लाइन दिखती है उस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी मेरा अनलॉक है, ठीक है। जब ये लॉक हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा, ठीक, जैसे कि मेरा फेस आईडी वाला है ना, उस तरीके से। अगर मैं इसको चालू कर दूंगा तो मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से बाहर सेंड नहीं कर सकता। इसको जब मैं ऑफ कर दूंगा ना तभी कर पाऊंगा, तो इसको मैं चालू कर लेता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम करो तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आए। मैं कई बार इसको करता हूँ सिक्योरिटी रीजन से। जैसे कि मैं मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ या फिर किसी भी ऐसे फेस्टिवल पे जब मेरा मोबाइल किसी को देना होता है तो मैं इसको हमेशा चालू रखता हूँ, और जिस पे ओटीपी आता है वो अपने पास रखता हूँ। तो सिक्योरिटी रीजन से ठीक है। अगर आपने इसको गलती से चालू कर लिया, आपका बोलता है कि आउटगोइंग आपका जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो सकता, लॉक है, तो आप अनलॉक कैसे करेंगे। सेम सेटिंग्स में आएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और ये जो टिक मार्क है ना इसको आपको ऑफ करना है और यहाँ से कन्फर्म करना होगा। अब आपसे ये पिन बोलेगा, ऐसा मत सोचना कि इसको हर कोई कर लेगा। अब आपको यहाँ पे पिन यहाँ पे डालना होगा। सो आप ही को पिन पता होगा, तो पिन जब पता होगा तब भी आपके पास जो मोबाइल होगा और जो रजिस्टर मोबाइल होगा उस पर ओटीपी आएगा। तो टेंशन मत करना कि आपने चालू कर दिया तो कोई भी बंदा उसको इजी टिक करके चालू या बंद कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। आपसे पिन पूछेगा और ओटीपी पूछेगा। तो अभी ये जो अपना क्या बोलते हैं आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है वो ऑफ मैंने कर दिया है। इस तरीके से जो आप जेप्पे का आउटगोइंग है ट्रांजेक्शन वो बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए।